और आगे बढ़ते बात करते हैं अगली खबर की। आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा दावा आया है सामने, राहुल गांधी को लेकर के ये बड़ा दावा किया गया। तो राहुल ने बैठक की थी, सत्ता में आने पर सुपर पार कमीशन बनाकर मंदिर के फैसले को पलटने की बात कही थी। क्या कहा है आचार्य प्रमोद कृष्णम ने, क्या बड़ा दावा किया है, सुनिए जरा। राम का नहीं है वो राष्ट्र का नहीं हो सकता है, और जो राष्ट्र का नहीं है वो राम का नहीं हो सकता है, और जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। मैं कांग्रेस में 32 साल से भी ज्यादा समय मेरा बीता है। जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। अब बात जौनपुर की जंग की करते हैं। जौनपुर में आज नामांकन का समय समाप्त हो गया, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन यहां तक के चुनावी योद्धाओं की तस्वीर साफ नहीं हो पाई। नामांकन के आखिरी दिन बीएसपी ने अपना उम्मीदवार ही बदल दिया, सबको चौंका दिया। क्या थी वो चौंकाने वाली खबर और कौन है नया प्रत्याशी, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनावों के लिए जौनपुर का सियासी घटनाक्रम बेहद दिलचस्प हो गया है। बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट पर फिर एक बार अपना उम्मीदवार बदल दिया है। बीएसपी ने जिले के रसूखदार और बाहुबली छवि के नेता धनंजय सिंह को झटका देते हुए उनकी पत्नी श्रीकला का टिकट काट दिया है। नामांकन के आखिरी दिन बीएसपी ने सबको हैरान करते हुए निवर्तमान बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव को एक बार फिर से टिकट थमा दिया है। सांसद श्याम सिंह यादव और बीएसपी के बीच की दूरियों की खबर थी, लेकिन टिकट मिलने के बाद श्याम सिंह यादव ने पार्टी सुप्रीमो मायावती को धन्यवाद दिया है। ज्योतिषी की भविष्यवाणी है कि अगला एमपी, वो महीनों पहले कह दिया था कि अगला एमपी जौनपुर का आपको ही होना है देख करके, तो मैंने कहा जब मुझे टिकट ही नहीं मिला तो मैं एमपी कैसे होऊंगा। तो उसने कहा कि अब इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा गणित, मेरी विद्या यही कहती है, मुझे लगता है कि सही होती दिख रही है मुझे। क्योंकि 1 बजे मुझे एकाएक माननीय भांजी का टेलीफोन आया और मुझे कहा गया कि मैं आपको लड़ा रहे। असल में चुनावों के ऐलान से पहले ही जौनपुर की सियासी लड़ाई में कई मोड़ आ चुके हैं। जौनपुर के इस पूरे सियासी घटनाक्रम के केंद्र में है पूर्व सांसद धनंजय सिंह। असल में धनंजय सिंह जौनपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। एनडीए के तहत जेडीयू से टिकट मिलने की थी उम्मीद, लेकिन जौनपुर सीट पर बीजेपी ने चुनाव लड़ने का किया ऐलान, जिसके बाद धनंजय सिंह ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया था। लेकिन अचानक धनंजय सिंह को एक पुराने मामले में सजा सुना दी गई। इसके बाद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को बीएसपी ने टिकट दिया था। श्रीकला नामांकन के बाद चुनाव प्रचार भी कर रही थी, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन श्रीकला का टिकट कट गया। बीएसपी ने श्याम सिंह यादव को फिर से टिकट दे दिया। जौनपुर में छठवें चरण में 25 मई को मतदान होना है, जबकि 4 जून को मतगणना होगी। बीजेपी ने जौनपुर से कृपा शंकर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि एसपी ने बाबू सिंह कुशवाहा को दिया है टिकट। अब वर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव भी बीएसपी के टिकट पर मैदान में उतर गए हैं। हालांकि जौनपुर की सियासत में भी धनंजय सिंह एक अलग कोण बना रहे हैं। धनंजय के समर्थकों का समर्थन भी यहां किसी उम्मीदवार को बढ़त दिला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। झारखंड के रांची में कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। मंत्री आलम के 2 करीबियों के घर पर छापा, अभी तक 25 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद, नोटों की गिनती जारी। कैश गिनने के लिए लाई गई हैं और मशीनें, सुबह से चल रहा है नोटों को गिनने का काम। 500-500 रुपए की गड्डियों की जांच चल रही है।
रांची में ईडी टीम ने मंगवाए बक्से, बॉक्स में रखा जाएगा बरामद कैश, गिनती के बाद बॉक्स को लेकर के जाएगी ईडी की टीम। रांची में एक और जगह कैश मिलने की खबर आई है, मुन्ना सिंह के ठिकाने पर ईडी की छापेमारी, आलमगीर के पीएस संजीव लाल का करीबी है मुन्ना सिंह। मंत्री के निजी सचिव के घर पर पड़ी रेड, संजीव लाल के नौकर के ठिकाने पर मिले 500 की कई गड्डियां और गहने, इंजीनियर विकास कुमार के घर पर चल रही है रेड। एक्शन बोर्ड में ईडी की टीम, कैश के साथ कुछ दस्तावेज भी सीज किए गए हैं, डिजिटल उपकरणों की भी जांच हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस और बीजेडी ने जनता को लूटा, बीजेडी सरकार योजनाएं लागू नहीं करती। पीएम मोदी ने भारी हुंकार, कहा बीजेडी अस्त है, कांग्रेस पस्त है, ओडिशा के लोग बीजेपी पर आश्वस्त हैं, आज ओडिशा अमीर है लेकिन जनता गरीब। तेलंगाना के पेद्दापल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा ओवैसी, बीआरएस और कांग्रेस तुष्टिकरण के एबीसी हैं, ये राजनीतिक लाभ के लिए आपको धोखा दे रहे हैं। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर किया हमला, कहा राहुल गांधी अफवाह फैला रहे हैं कि मोदी जी आरक्षण खत्म कर देंगे, लेकिन उन्होंने बार बार एससी एसटी और ओबीसी भाइयों के अधिकार छीनने की कोशिश की है। कर्नाटक में अश्लील वीडियो मामले में एसआईटी ने पीड़िता का बयान दर्ज किया, एचडी रेवन्ना की आवाज पर हुई पूछताछ। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने आईडी नष्ट किया, विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए माओवादियों ने लगाया था आईडी। बीआरएस नेता के कविता को राउस एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका, ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में जमानत याचिका खारिज। पश्चिम बंगाल के हुगली में पांडुआ में हुआ बम विस्फोट, एक बच्चे की मौत, दो की हालत गंभीर, इलाके में तनाव के बाद आरएएफ तैनात।